धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी सत्संग जियो, आज एक बार फिर आपके सामने लाइव हूँ। तो सबसे पहले आपसे मेरी विनती है कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दूसरा, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो उन कमेंट के दौरान आप सवाल पूछ सकते हैं, पर सवाल जायज़ हो। दूसरा ये भी कि कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करें, अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं उन चीज़ों के जवाब नहीं देता और ना ही मैं मेरे पोस्ट पे ऐसी चीज़ चाहता हूँ। क्योंकि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानते, तो भाई आप लोग प्लीज़ ना देखें इसे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ विचार है कि ऐसे सवाल हैं जो अभद्र भाषा से संबंधित है, तो भाई ऐसी चीज़ ना डालें। तो आज मेरा लाइव आने का मकसद एक ही था कि आज आपको पता ही है कि हनीप्रीत दीदी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उन्होंने सुबह से एक दो इंटरव्यू दिए चैनलों को उनके बारे में, और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही था कि एक बाप बेटी का रिश्ता जो समाज में पाक पवित्र रिश्ता है, जिसकी एक अलग अहमियत होती है रिश्ते की, तो ऐसा रिश्ता जो हमें समाज में एक अपनापन महसूस करवाता है, या दुनियादारी में एक बाप के करीब अगर कोई रिश्ता सबसे करीब होता है तो वो बेटी का रिश्ता होता है। तो उसी रिश्ते को लेकर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चर्चा करेंगे। तो सत्संग जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो कुछ हुआ आपके सामने है कि हनीप्रीत दीदी सुबह आज तक चैनल है उसके जरिए लोगों के सामने पहली बार आए 38 दिनों के बाद, और उसके बाद फिर न्यूज़ 24 पे। तो सत्संग जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दौरान उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से दिए, और एक ऐसा दर्द भी उसमें छलक रहा था जो एक बाप और बेटी के बिछड़ने पे होता है। क्योंकि जिस बेटे का बाप जेल में चला जाए, या एक ऐसी प्लानिंग कह लीजिए कि जिसके तहत जब वो वहाँ से आए थे तो वो क्या सोच के आए थे और एकदम से क्या हुआ था, उस चीज़ के बारे में उन्होंने भलीभांति बोला कि हमें तो पता ही नहीं था। तो सत्संग जी, आज कईयों के मुंह के ताले लग चुके हैं कि जो ये बोल रहे थे कि वो भगाने की साजिश में थे या भगाने की फिराक में थे, ऐसा था वैसा था, आज खुलकर जवाब दिए उन्होंने, तो वो तो आपने सुन ही लिए होंगे। पर मैं एक सवाल और रह गया पीछे, और वो रह गया मीडिया का, कि जब वो इतनी भी सच बातें बोल के जब इंटरव्यू समाप्त हो गया उसके बाद चले गए, तो बाद में पीछे से जो एक एंकर है, चाहे वो भाई था या एक बहन भी थी, ऐसे जो भी बोल रहे थे, तो भाई मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले हैं और हमारी संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। मुझे तो इतना नहीं पता था, पर हजूर पिताजी ने सत्संगों के दौरान बताया। दूसरा, जैसे परिवार भी धार्मिक विचारों वाला रहा है तो उसके कुछ ग्रंथ पढ़ने को मिले थे, तो उनमें से देखा था कि एक ऐसी महान संस्कृति जिस देश की रही हो, जो विश्व गुरु कहलाता हो, उस देश के अंदर आज एक बाप बेटी के रिश्ते को कैसे तार तार किया जा रहा है। क्या यही सिखाया था? क्या यही दिन देखने के लिए हम आधुनिकता की मांग कर रहे हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ यहाँ तक गिरने
गिरने की सोच रहा है कि एक बाप बेटी का रिश्ता हम तार तार कर दें। मानते हैं कि उनके द्वारा बोले गए एक एक शब्द की कीमत होती है, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का मिलता है कि वो जो बोलते हैं, जितना बोलते हैं, जितना टाइम वो TRP बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। तो साध संगत जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज एक अच्छे पथ पर जा रहा है, या मीडिया है वो देश का वो एक अच्छे की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा बहादुर पैदा हुए हैं जिन्होंने बहनों की इज्जत बचाई है, बेटियों की इज्जत बचाई है। तो आज क्या हो रहा है, आज उसी समाज में, उसी देश में, उसी देश के मीडिया द्वारा या खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले लोगों द्वारा आज एक बाप बेटी के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है। कितना और गिरेगा? अरे कहाँ वो सूरवीर योद्धा थे, हमारे पूर्वज थे, जो अपनी जान की बाजी लगा देते थे और आज आप बैठ के चैनल पे पैनल बना के बैठते और उसमें ऐसे लोग शामिल करते हैं जो अपने 1 लाख से गिर चुके होते हैं, जो अपना ईमान बेच चुके होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर आप ठाके लगा लगा के हंसते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम परोसे जाते हैं जिन्हें देखकर इंसानियत शर्म से पानी पानी हो जाए। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आपके घर भी तो माँ बहन बेटी होगी। अगर आपके घर बहन नहीं है तो ये सोचिए कि आपकी माँ भी तो किसी की बहन है। क्या समाज में बेटी गोद लेना गुनाह है? मैंने अपनी भतीजी, आपको सच बता रहा हूं, 101% सच, जब मर्जी आके मिल लेना। मेरी भतीजी जब, यानी भैया और भाभी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे कि हम और बच्चा नहीं करेंगे, और डॉक्टर के पास भी गए थे, तो मैंने एक मांग रखी। मैंने कहा यार अपने सेवा करते रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पर अगर ये भी तो एक सेवा है कि हम एक बच्चा किसी को गोद देनी संतान दंपति को। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, ये वो समाज में पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या होगा। तो मैंने कहा अगर समाज की सोच गई तो हम सेवा नहीं करेंगे, हम सतगुरु के काम हैं, फिर हम तो समाज में बंद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने भी उस मालिक की रहमत को राजा को मानना था, उस डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई HB कम है तो आप ये नहीं करवा सकते, टोबेक्टमी नहीं हो सकती। तो उन्होंने वो एक लड़का हो चाहे लड़की हो, वो हमें दान में देनी थी कि देरा सच्चा सौदा की एक नी संतान दंपति को किसी के घर में उजाला करने की एक मुहिम थी। तो उसके तहत हमने फिर वो लड़की हुई और वो समाज में से डेरे में भी पूछताछ की, फिर कोई नहीं मिला, तो एक रिश्तेदारी में ही परिवार था, तो उन्होंने वो लड़की ली। आज वो लड़की बहुत खुश है, तो जो जिसके पास रह रही है वो उसे अपनी बेटी की तरह रख रहा है, उसे एक बाप का प्यार मिल रहा है, वो लाड प्यार से रह रही है। तो क्या एक बाप अपनी बेटी के लाड नहीं कर सकता? क्या वो उसे एक बाप का प्यार नहीं देगा? अगर गोद लिया तो क्या हो गया, क्या वो उसकी बेटी नहीं है? शर्म आनी चाहिए कि किसी के दिल गुर्दा ताकत देखिए, जिसने अपनी कलेजे को चीर के एक अपनी बेटी दी है, और जिसने अपनाया है उसकी भी ताकत देखिए। आप लोग बैठे बैठे बात बना लेते हैं, अरे जो चंद रुपए के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाते हैं, जिन्हें ना किसी रिश्ते का ख्याल है, सिर्फ पब क्लबों में, मीटिंगों में, पार्टियों में रहते हैं, हाई सोसाइटी के कहलाते हैं, उन्हें क्या पता संस्कृति क्या है, किस देश में जी रहे हैं हम। एक बेटी को अपने विचारों के द्वारा, अपने गंदी सोच के द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों को परोस कर एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर तक कर देता है ये समाज, ये मीडिया। मुझे सरेआम गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मीडिया पे, पर फिर भी मैं चुप हूं, क्योंकि उस मालिक की रजा में हूं, उस मालिक ने रजा में रहना सिखाया है कि बेटा वक्त आने पे सबका हिसाब होगा, वक्त वो मालिक लेके जरूर आएगा। तो साध संगत जी,
आज हनीप्रीत दीदी, जैसे ही सुबह से आपको पता है एस के ग्रग नरवाना जी वकील हैं हाई कोर्ट के, तो उनके साथ जो भी कागज कार्रवाई पूरी की उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए, तो अब उनसे पूछताछ होगी। तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, पर उसके अंदर भी जब वो गिरफ्तार हो गए, नहीं हुए तो कुछ और मैटर था, और हो गए तो अब ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं चैनलों के अलग अलग तरीके से, हाँ या ना में जवाब मांगे जा रहे हैं। भाई क्या चाहते हो आप, इतना तो समझा दीजिए समाज को। आज मैंने एक अभी किसी दोस्त ने पोस्ट भेजी थी मेरे पास, कोई शास्त्री है उन्होंने लिखी है, तो मैं उन शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ का दर्द महसूस किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मेरे भी एक बेटी है, ना मैं डेरे जाता हूँ ना मैं ऐसे डेरों में विश्वास रखता हूँ, पर मेरा बड़ा लड़का आता जाता रहता है, उसके कारण उसने कोई सत्संग सुनी होगी, उसने ऐसी शाही बेटियाँ बसेरा या जो भी बेटी बचाओ मुहिम है उसके बारे में सुना होगा। तो सत्संग जी अब ये सोचिए कि एक नॉन सत्संगी आदमी क्या कह रहा है, कि जब मैंने प्रोग्राम देखा किसी चैनल पे चल रहा था, चैनल का तो आपको भी पता है मुझे भी पता है किसने चलाया था, वो कैसा प्रोग्राम क्या था, तो कहता है कि उसको देखकर मैं बालकोनी में बाहर जाकर खड़ा होकर रोने लग गया था, और मुझे मेरी बेटी आंखों के आगे घूम रही थी कि क्या एक बेटी से प्यार करना इतना गुनाह है, अगर मैं कर रहा हूं तो कल को समाज क्या कहेगा, क्योंकि उसकी बेटी कॉलेज में जाती है और घर आती है तो उससे आके लिपट जाती है, और जब उनके घर में शादी का जिक्र होता है बात होती है तो वो बेटी कहती है कि पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और उस बंदे के क्या विचार थे कि मेरी बेटी जब कॉलेज चली जाती है तो कई बार मैं बैठकर सोचता हूं कि अगर ये चली गई तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा, इतना ख्याल रखती है अपने बाप का, फिर कौन मुझे पूछेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेरे दो माँ है, एक मेरी बेटी है वो भी माँ की तरह संभाल करती है, और मेरी माँ तो है ही है, दूसरा कई बार मैं स्वार्थी भी हो जाता हूं। उसकी वर्डिंग देखिए क्या थी, कि कहां अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जीने वाले लोग सोचते हैं, और कहां वो बिकाऊ लोग भाड़े के टट्टू क्या सोचते हैं जो पैनल बना बना के बैठते हैं, चेहरे पे चमक रखते हैं, अंदर से उतने ही काले होते हैं, वो क्या सोचते हैं वो। उसके क्या बयान थे कि मैं कई बार स्वार्थी हो जाता हूं और सोचने लगता हूं कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपने ही शहर में इसकी शादी कर दूं, ताकि ये मुझसे आके मेरे दुख सुख सुन लिया करेगी और मैं इसे मिल लिया करूंगा। एक बाप, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी के लिए दोस्त भी है, बाप भी है, भाई भी है, ऐसे बाप की सोच है, ऐसे महान संस्कारों वाले लोग भी समाज में जीते हैं, और वो भांड मीडिया वाले भी जीते हैं जो एक रिश्ते को तार तार कर देते हैं। एक उस भाई ने भी लिखा है कि मेरे भाई ने कोई लड़की गोद ले रखी है तो वो उसके साथ रहता है, कल को अगर कोई 19-21 बात उसके साथ होती है तो समाज क्या उसी नजरिए से देखेगा। जब हनीप्रीत के बारे में बात देखी मैंने तो मेरी आंखों के आगे वो लड़की का चेहरा घूमने लग गया था। बताइए कितना गिरेगा मीडिया। तो साध संगत जी आप ये चीजें उन माया के दलालों के आगे बिके हुए, और जो अपने अल्फाज बेचते हैं, जो अपना ईमान बेचते हैं पैसे के लिए कि हमें हमारी ये सीट बरकरार रहे, कोई दूसरा के ना हथिया ले, हमारी TRP ना घट जाए, ऐसे लोगों तक ये बातें जरूर पहुंचाइए कि समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है आपके बारे में समाज में। तो साध संगत जी आप लोगों ने ये बातें पहुंचानी है। दूसरी एक बात और थी कि कई कलाकार ऐसे हैं, मेरे एक दो दोस्तों ने फोन किया था कि भाई कई कलाकार लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे गाने निकाल रखे हैं, कोई एडिट कर रहा है पुराना गाना उठा के, कोई ऐसा कर रहा है। तो भाई
उन कलाकारों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके घर भी तो बहन होगी, आपके घर भी माँ होगी। अगर वो आपके गाने सुनती है तो वो क्या सोचेगी, क्या समझेगी, क्या सीख लेगी आपके गानों से? अरे कल को आपकी बहन किसी के साथ फरार मिलेगी, फिर कहाँ मुँह दिखाओगे आप समाज में, लोग क्या बोलेंगे, उस कलाकार की बहन चली गई, कहीं तो मुंह दिखाने लायक रह जाओ यार। आप क्यों अपने खून को, अपने माँ बाप के खून को लजा रहे हो, क्यों अपने माँ के दूध को लजा रहे हो? कुछ तो शर्म किया करो, कलाकार बने हो, अच्छी चीज गाओ, अच्छा समाज में परोसो। संगीत में बराबरी करने की बात करते हो, एक दोस्त था कहने लगा यार बाबा भी गाने लग गया। काफ़ी दिन पहले की बात है, जब रूरो नाइट शुरू में चले थे, मैंने कहा गाने लग गया, समाज को जगाने भी लग गया। तो अजूर पिताजी का एक एक शब्द, आप कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए जो उन्होंने गाया है, समाज में एक शब्द के अंदर हजारों मैसेज होते हैं। ड्रग ना लेना रे, नशा ना करना रे, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की तरक्की के, उन्नति के, समाज में संस्कृति बचाने के लिए शब्द थे। और आज के कलाकार क्या गा रहे हैं, शर्म आती है मुझे कि मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता। एक कलाकार भाई है कोई, तो उसने फोन किया मेरे पास, कहने लगा भाई एक गाना आया तेरे सुनने लायक है, सुन। उसने मेरे को व्हाट्सअप किया, मैंने सुना। साध संगत जी, हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये सुना था, उसी टाइम उसका स्क्रीन शॉट ले लिया, क्योंकि स्क्रीन शॉट लेना ज़रूरी है। और मैं आपसे भी विनती करना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी गलत फनी कमेंट बना के पिताजी के बारे में, हनीप्रीत दीदी के बारे में, या साध संगत के बारे में डालता है, या कोई न्यूज़ चैनल के जो पेज हैं वो डालते हैं, या कोई ऐसी खबर आती है जो गलत दिखा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के स्क्रीन शॉट लीजिए, या उनको एक प्रूफ के तौर पर सेव कर लीजिए। बार बार ना देखिए उन चीज़ें, पर एक बार अगर आपकी निगाह में आती है तो ऐसी चीज़ें रखिए संभाल के। यानी वो वक्त भी आएगा जब हम उनसे इस चीज़ों के जवाब मांगेंगे। आज तो वो अपने पैसा कमाने के लिए या TRP के चक्कर में बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, पर वक्त हमारा भी आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उन चीज़ों को रखिए। तो मैंने वो चीज़ें स्क्रीन शॉट लेके उसकी रख ली, और फिर मैंने उस भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई ये बता, तूने कहा था ना तेरे लिए है, पर ये गाना तो अब आया है, तेरी बहन ने कौन सा सुना था, कितने दिनों से फरार है, आज तक मिली, सारा घर परेशान, आज तक उसकी बहन 3 महीने हो गए अब तक फरार है, नहीं मिल रही, और मेरे को कहता है गाने सुन। तो भाई ऐसे ऐसे गाने तुमने सुने थे, तुम्हारे लिए बने हैं, सुनो और सुनाओ अपने घर वालों, तब तो लगा के फुल आवाज करके छोड़ देते हैं, फिर वो ऐसे ही सीखते हैं। और ऐसे कलाकार मैंने देखे हैं, उनके घरों में क्या हो रहा होता है। हरियाणा के अंदर एक लहर चली थी थोड़े दिन पहले, वो शांत कर दी गई, क्योंकि उसमें कई बड़े कलाकार आकर गिड़गिड़ाने लगे थे, भाई क्या खाएंगे, एक गेस्ट निकालने के लिए पता है कितना खर्चा आता है, हमने किले बेच रखे हैं, तो भाई क्यों ज़रूरी है, हमने कहा था कि गाने लग जाओ, अरे गाना है अच्छा गाओ समाज में। तो आप ऐसे कलाकारों को सपोर्ट ना किया करें, ना उनके वीडियो देखा करें, ना ऐसे कलाकारों के जहां प्रोग्राम होते हैं वहां पे जाया करें, और ऐसी बातें कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है, क्या क्या लाहनतें आपको मिल रही है, वो चीज़ें उन तक ज़रूर पहुंचाया करें। मैं तो कहता हूं, मेरे गांव में एक कलाकार आया था, आज मेरे गाँव में कोई धार्मिक जागरण रखा गया था, कहने को तो वो जागरण था, पर एक मैं यही कहूँगा कि जागरण नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज ही नहीं थी। अरे वो गाने, वो शब्द यूज किए जा रहे हैं जो बंदा एक परिवार में बैठ के नहीं सुन सकता, और वो सरेआम स्टेज से गा रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे, और जो आयोजक थे, जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार ये कैसा जागरण है, क्या चीज़ है इसमें ऐसी, कहने लगे भाई आपको क्या पता। हमने कहा जी हमारे को तो नहीं पता, पर मेरे गुरु के बारे में इसमें गलत बोला गया है, आज तक
माई का लाल कोई उसकी वीडियो नहीं डाल सका, उस प्रोग्राम की एक फोटो नहीं डाल सका फेसबुक यूट्यूब पे, क्योंकि सरेआम गलत था, गंद था उसमें। धार्मिक सांस्कृतिक मंच, फलाना मंच, तो भाई मंच नाम रखने से मंच थोड़ी होता है। सरेआम गंदगी परोसी गई थी उसके अंदर। कोई इधर राजली वाला कलाकार था, मेरे नाम भी उसका ख्याल में नहीं है पूरा। तो साध संगत जी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना भड़वापन निकम्मापन दिखाते हैं, जो अपने माँ बाप को लजाते हैं, जो साध संगत की भावना को आहत करते हैं, अपनी एक कैस्ट बेचने के लिए या YouTube पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो न जाने क्या क्या पेंतरे अजमाते हैं, क्या क्या प्रोग्राम बनाते हैं। पर आप सचेत रहें और ये चीज़ें उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं आगे से आगे, कि ताकि उनको भी पता चले कि समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है। दूसरी एक बात और साध संगत जी, कि कल आपने देखा होगा शाम को अपने जो हजूर पिताजी का जो केस चल रहा है उसके अंदर जो हाई कोर्ट के वकील हैं श्री एस के गर्ग नरवाना जी, उनका इंटरव्यू आया था। तो अगर और लोगों ने ना देखा है जो नॉन प्रेमी है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप वो इंटरव्यू एक बार देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो ये कह रहे थे ना कि भाई अब तो ये हो गया वो हो गया, आप डेरे जाना छोड़ दो, तो आपका अकल आ जाएगी कि हकीकत में क्या हुआ था। मैं नहीं कह रहा, उनके बयान थे, हूबहू बता रहा हूं आपको कि आज तक वो लड़कियां सामने नहीं आई जिन्होंने आरोप लगाए थे, और किसी लड़की ने FIR दर्ज नहीं करवाई थी। 2002 से 2005 के बीच में जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई। एक लड़की कहती है जी मेरे साथ बलात्कार हुआ, उससे दूसरे दिन मुझे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया था कि आप वहाँ पे पढ़ाओ, और हालांकि वो उसके अटेंडेंस रजिस्टर के अनुसार जब उसकी कॉपी पेश की गई तो वो 3 साल पहले से वहाँ से पढ़ा रही है। अब आप देख लीजिए सच्चाई कहाँ है, क्या सच्चाई है। सच्चाई तो सामने आनी है। आपको एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि ये एक फिल्म थी, इसकी स्क्रिप्ट किसी ने बैठ के लिखी थी, उसके अनुसार सीन आते गए, कुछ 8% हालात बने थे जो सीन ऐड किए गए, पर फाइनल और निर्णायक फिल्म आएगी उसकी स्क्रिप्ट वो हीरो लिखेगा, जो एक्टर डायरेक्टर खुद है, सब कुछ खुद करता है, और उसका जलवा वो पहले दिखा चुका है। तो साध संगत जी, आप वेट करें, किसी के बहकावे में ना आए। दूसरा, साध संगत से एक गुजारिश है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि साध संगत टूट रही है, ये हो गया जी, वो फलाना बंदा छोड़ गया, डेरे जाना छोड़ गया। तो एक भी भाई ऐसा नहीं मिला मुझे, एक भी भाई। 2-4 की शिकायत आई थी, मैं उनसे मिला तो कहने लगा हमारे को वो फलां लोग ऐसे कह के गए थे, ऐसे कह के गए थे, उनका नाम लिया था। तब मैंने उनसे बात करवाई तो कहने लगे लो हमारे आगे तो झूठ बोल गए। तो ऐसे लोग हैं बीच में जो मित्रों मसी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मीडिया की भूमिका में ही है। तो आप ऐसे लोगों से सचेत रहें, सतगुरु के बन के रहें। आज मीडिया इस चीज़ से हैरान है, उन्होंने 2 बार रिपोर्ट छाप चुके हैं। अब वो छापी तो उन्होंने गलती से ही है, पर मीडिया ये छाप चुका है कि हमने इतना झूठ बोला, इतना गंद फैलाया समाज में, इतने वीडियो बना बना के, इतने नाटक बना बना के दिखा दिए, पर सच्चे सौदे के प्रेमी टस से मस नहीं हुए। उनका भरोसा और ज़्यादा बढ़ा है, दृढ़ विश्वास उनका कायम है आज भी। मीडिया इस चीज़ का चैलेंज ले रहा है, अब तक लगा हुआ है। तो साध संगत जी, आपका जज्बा है, हौसला है, वो काबिले तारीफ है, और उसको इसी तरह बरकरार रखें। अगर किसी भाई के साथ कोई घटना होती है या कोई पहले की बात हुई है ऐसी, या कोई वचन ऐसे जो साध संगत के साथ शेयर करने होते हैं, तो आप अगर आप खुद नहीं कर सकते तो वो मेरे को बताएं, मैं आपकी बात साध संगत के बीच रखूंगा। जैसे पहले भी कई प्रेमी भाइयों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको डेरे से दूर करने की कोशिश की, या बेपरवाह मस्ताना जी शास्त्रनाम जी के नाम से साध संगत को तोड़ने की बांटने की कोशिश की, तो उन लोगों से मिला जाके बहुत अच्छा लगा।
तो उन्होंने जो सच्चाई रखी वो साध संगत के सामने आई और उसका समाज में क्या असर हुआ वो आज आपको भी पता है। तो साध संगत जी हिम्मत रखें, कोई दिक्कत नहीं, सच की बल्ले बल्ले होनी है। आप ये चीज आज नोट कर ले, क्योंकि हम तो पहले से भी कहते रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि सच जीतेगा, सच जीतेगा, और उसका जलवा अब शुरू हो चुका है, आपको पता ही है। आज हनीप्रीत दीदी ने भी क्या बोला कि मिले क्या नरकंकाल, कितना मुद्दा बनाया गया था। अरे सरेआम मेरे खुद के परिवार से दो शरीरदान हुए हैं, उनके बारे में जब मैंने संगत को बताया, उस भाई को बुलाया, दो चार भाइयों से औरों से मिला, उनकी वीडियो बनाई गई, संगत के बीच डाली गई, सच्चाई पता लग गई, नरकंकाल छोड़ दिए गए। तो ये मीडिया का काम है, वो बुराई गा रहा है, पर अपने अच्छाई गाते रहना, चुप नहीं रहना, एक दूसरे को जागृत करते रहना है, क्योंकि आज आपके साथ की जरूरत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना कोई और जुम्मेवार भाई कर सकता है, लगभग आपको पता ही है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा रहे हैं, हर कोई भुगत रहा है इसको। तो आप लोगों के कई सवाल भी आए हैं इसमें, तो मैं एक दो के पढ़ लेता हूँ कि बिल्कुल जवाब लेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और इसमें लिख रहे हैं जी भाई दिल पर ना लें, राजेश करीर विष्णु। भाई हम तो दिल पे क्या लेना होता है वो आप क्या समझेंगे, हमारी भावना को, हमारी बात को, क्योंकि आप अपने विचारों से हमारी भावना की तुलना नहीं कर सकते। दूसरा पुनीत बेनीवाल वेल्डन ब्रो, चंदू वर्मा धन धन सतगुरु तेरा आसरा, प्रतिनिधि चैनल के बारे में क्या ख्याल है जी। जी बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रतिनिधि चैनल वाले, मैंने उनसे कई बार बात भी की है और उन्होंने प्रोग्राम में बुलाया था पर जा नहीं पाया, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हैं कि इधर उधर सेवा का मौका मिल जाता है तो वो सेवा करते हैं। पर प्रतिनिधि चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस टाइम में जब हमें सख्त ज़रूरत थी तो एक सहारा दिया संगत को, क्योंकि उनके साथ जो जुड़े हैं आज लोग उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे वो खड़े हैं। दूसरा अभी दशहरे पे कोई किसी ने आडंबर रचे थे कुछ ऐसे, तो उनको जाके उन्होंने मौके पे जाके रुकवाया, तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो उनको सैल्यूट कहता हूँ कि साथ संगत का आज वो सहारा बने, उन्होंने दर्द को समझा है, डेरे का दर्द के नाम से प्रोग्राम उन्होंने चलाया, मीडिया का सच के नाम से भी प्रोग्राम चलाया, वो चला रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है कि जब वो लाइव होते हैं दोपहर को 1 से 3 और रात को 8 से 9 के बीच भी होते हैं और 8 से 10 भी होता है कई बार, तो आप जरूर देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत देखा करें उस चीज़ों को, और अपने कॉल भी किया करें। क्या हो गया आपको अगर आपने पहले कभी नहीं बोला है, शर्माया ना करें, कॉल जरूर करें, उनसे बात करें, अपनी बात रखें, इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, आपको जैसा भी बोलना आता है आप ऐसी बात बोल दीजिए, वो समझते हैं, आजकल तो लोग इशारा समझ लेते हैं, फिर भी आप तो बोल के बताएंगे। ठीक है साध संगत जी, बहुत अच्छा है प्रतिनिधि चैनल के बारे में। दूसरा पिताजी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जब वो चाहें वही होगा जी, बिल्कुल वही होगा और वही हो रहा है, क्योंकि वो एक इतिहास बनता है तो वो एक दो दिन में नहीं बनता। श्री कृष्ण जी को भी कितने साल लगे थे, राम जी को भी कितने साल लगे थे, और जितने भी पीर फकीर संत महात्मा आए उन्होंने पता नहीं कितने कितने साल लगाए हैं, कितना समय लोगों ने जेल में चक्कियां तक पिसवाई है, पागल हाथी के आगे डाल दिया गया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सलाखों के पीछे रहे, इतिहास बोल रहा है। तो साध संगत जी बहुत टाइम हो गया आज, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप आगे शेयर जरूर करें ताकि साध संगत कुछ सुने, कुछ उन्हें पता चले कि समाज में क्या चल रहा है, लोग डेरे के बारे में क्या विचार रख रहे हैं, एक बाप बेटी के रिश्ते को तार तार किया तो एक आम आदमी ने उन्हें कैसे जवाब दिया, ये चीजें आप उन लोगों तक पहुंचाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।